तो चलिए काम पर लगते हैं और जल्दी 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 इसको कर देते हैं फिनिश। और एक और बात कि हम देसी आदमी हैं, ठीक, तो हमारे लाइफ में जो भी घटता है हम सब कुछ इस पर शेयर करते हैं और हर एक चीज़ का ब्लॉग बनाते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। सो गाइस, अभी हम फावड़ा लेकर निकल चले हैं सुबह सुबह ही। कल एक खेत थोड़ा सा था तो उसको जुतवा दिए थे और उसमें मेड़ बांधना है, तो अभी फावड़ा लेकर जा रहे हैं, उस मेड़ को बांध देंगे। थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है, तो उसको मेड़ उसमें बीचों बीच में दे देंगे, फिर उसके पश्चात वो हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने खेत पर। तो गाइस फाइनली अभी हम आ चुके हैं, देखिए यही खेत है। तो इसी के बीचों बीच हमको डालना है मेड़ इस तरह और फिर इस तरह, मतलब कि इसको चार टुकड़ा में बांट देना है, ठीक है ना। और इधर में थोड़ा बहुत कोड़ना भी है, पहले चप्पल निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पर जहाँ बीच बीच में माटी है उसको थोड़ा सा इधर उधर फेंकना भी है, यहाँ पर भी कोड़ना है, इसका मतलब कि चारों कोना कोड़ना है। कल शाम को इसको हम जोतवा दिए थे, इसमें बोया गया है उर्दी, इसे उड़द कहते हैं उसे ना, उड़द की दाल, तो उर्दी बोया गया है इसमें। शाम को हम बोवा कर चले गए थे तो इसमें मेड़ डालना है और जो कोने कोने साइड का है उसको थोड़ा बहुत कोड़ना भी है। यहाँ पर सब पैर से चारों तरफ हम माटी इधर उधर कर दिए थे क्योंकि वहीं से ट्रैक्टर गुजर गया था ना, निकल गया था, तो वहीं पूरा ज़्यादा इकट्ठा हो गया था माटी, उसको हम पैरों द्वारा सब इधर उधर कर दिए। देखिए यहाँ पर भी अभी इसको कोड़ना है अभी, तो एक घंटे का काम है यहाँ पर, ठीक है ना। फिर इधर ये सब मार के जो बिखरा हुआ इसको बीच में फेंकना है, कहीं ऊंचा है तो कहीं थोड़ा बहुत खाल है तो उसको बराबर कर देना है, ठीक है ना। तो चलिए काम पर लगते हैं और जल्दी 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 इसको कर देते हैं फिनिश। अब फावड़ा उठाते हैं और मिलते हैं आपसे कुछ देरी में। गाइस फाइनली चारों कोनों का हमने कोड़ दिया, यहाँ का भी, फिर उधर का भी, फिर उधर का भी और उधर का भी, सब कोड़ दिया गया। अब बीच में बस इसको मेड़ डालना है और जो कहीं कहीं जो ऊंचा दिख रहा है उसको बराबर कर देना है, जैसे कि इसको इसको पैर से ही बराबर कर दिया जाएगा, इस तरह इस तरह इस तरह मिला दिया जाएगा। थोड़ा सा फावड़ा से भी इसको बराबर कर देंगे और देखिए यहाँ पर भी कोड़ दिया गया है, चारों कोनों का हमने कोड़ दिया है, उधर का भी कोड़ दिए हैं। देखिए यहाँ का भी कोड़ दिए हैं चारों कोनों का। अब ओनली इस बीच में इसमें मेड़ डालना है, फिर यह हो जाएगा। ओके, मिलते हैं आपको कुछ देरी में। गाइस अभी फाइनली देख सकते हैं चारों मेड़ बांध दिया गया है और इसमें बहुत ज़्यादा घास था, घास को भी इसमें से निकाला गया है। देखिए
यहाँ पर इतना, फिर उधर साइड साइड से लगा दिया गया है घास को। तो फिलहाल में ये यहाँ का काम समाप्त हुआ, तो अब यहाँ से निकलते हैं, ठीक है ना। चलिए निकलते हैं, और धूप भी हो चुका है, और इसमें बज रहे हैं 8:40, तकरीबन 9 बजने वाले हैं, 20 मिनट टाइम है। तो चलिए यहाँ से अभी हम निकलते हैं। गाइस, अभी फाइनली हम वहाँ से आ चुके हैं इधर को, अब इधर से अब जाएंगे हम सीधे घर को ना। चलिए हम चलते हैं अब घर को। तो सुबह को ही गए थे, और फिलहाल में हम अब आ चुके हैं अपने ट्वेल पर, गए थे उधर दूर गए थे, तो वहाँ से अभी हम फिलहाल में अपने ट्वेल पर आ चुके हैं। और ये देखिए गेहूँ, देखिए पूरा का पूरा सूख चुका है, गिर चुका है पूरा, इसको काटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। देखिए हम अपने अपने ट्वेल पर आ चुके हैं। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ से भी, घर मिलते हैं आपको। सो गाइस, अभी फाइनली हम आ चुके हैं घर, और अभी हम देखिए क्या खा रहे हैं। चना भुना गया था तो इसको खा रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी हम चना खाते हैं। तो चना खाकर मिलते हैं आपसे। सो गाइस, फाइनली शाम हो गई, और मैं इस समय शूट कर रहा हूँ। उस समय क्या हुआ कि मैं चना खाकर फिर बाहर गया, फिर उसके पश्चात थोड़ा सा चारा था, फिर उसको काटा, फिर उसके पश्चात फिर जाकर खाना खाया, क्योंकि वो अभी चना बुना गया था, तो उसी को खाकर फिर काम करके फिर उसके पश्चात फिर खाना खाया, फिर उसके पश्चात 11 बज गया खाना खाते समय, और फिर उसके पश्चात मैं सो गया था। फिर मैं उठा हूँ तो फिर भैंसों को लगा उगा कर फिर आ गया इधर वीडियो शूट करने के लिए। हमने कहा कि वीडियो शूट करके खत्म कर दिया जाए, ठीक है ना। तो अभी मैं आया हुआ हूँ इधर अपना, जो मैं बताया हूँ कि हमेशा मैं इधर आता हूँ टहलने के लिए, घूमने के लिए, शाम के वक्त हवा लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हवा बहुत ही प्यारा चलता है, और सिवान है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है इधर हमको घूमने में। ये कई ब्लॉग में मैंने दिखाया भी है ये सब, ठीक है ना। तो अब इस वीडियो को एंड कर देते हैं। तो और एक और बात कि हम देसी आदमी हैं, ठीक, तो हमारे लाइफ में जो भी घटता है हम सब कुछ इस पर शेयर करते हैं, और हर एक चीज़ का ब्लॉग बनाते हैं, और आने वाले ब्लॉग में भी आपको अच्छे से ब्लॉग मिलेंगे वैसे। और मैं अब एक चैलेंजिंग वीडियो भी बनाने वाला हूं, और बच्चों के संग भी वीडियो बनाने वाला हूं जल्द ही, तो जल्द ही आपको मिलेगा वो देखने के लिए, ठीक है ना। तो अब इस वीडियो को अभी एड कर देते हैं। तो आई होप कि अब वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मिलते हैं आपको फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए।